इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए finovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, तो आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर जॉन डेविसन रॉकफेलर, दैट इज जॉन डी रॉकफेलर के बारे में। इस पूरी केस स्टडी में आज हम समझेंगे कि कैसे मिस्टर जॉन डी रॉकफेलर, जो कि गरीब परिवार में पैदा हुए थे, वो आगे चलकर दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए और उस टाइम के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट भी। जॉन के पिता लोगों को फंसाने का काम करते थे। वो कई बार लोगों को अनक्यूरेबल डिजीजेस जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियों की नकली दवाइयां बेचते थे। अब क्योंकि वो लोगों को फंसाने का काम करते थे तो उनको एक सिटी से दूसरी सिटी जाना पड़ता था, जिसकी वजह से वो घर पे नहीं रहते थे और ना ही फैमिली को सपोर्ट करते थे। ऐसे में घर की जिम्मेदारी बहुत ही कम उम्र में जॉन डी रॉकफेलर पर आई। उन पर बहुत ही कम एज में, यानी 13-14 साल की उम्र में अपने परिवार को चलाने की जिम्मेदारी आई। तो 13-14 साल की उम्र से ही उन्होंने कैंडीज और चॉकलेट्स बेचना शुरू किया और वहाँ से जो भी पैसा आता था उसे वो अपनी फैमिली चलाते थे। फिर 1853 में उनकी फैमिली न्यूयॉर्क से क्लेवलैंड, जो कि ओहियो स्टेट में आता है, वहाँ पर शिफ्ट हो गई और वहीं पर जॉन ने अपनी स्कूलिंग पूरी की। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद जॉन ने बुक कीपिंग का एक 2 महीने का कोर्स कर लिया। जॉन के घर की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो आगे भी पढ़ पाए, इसलिए स्कूलिंग के बाद उन्होंने तुरंत ही बुक कीपिंग का कोर्स किया और जॉब ढूंढना शुरू किया। जॉब की काफी तलाश करने के बाद 26 सितंबर 1855 को उन्हें अपनी पहली जॉब मिली। हेविट एंड टटल नाम की कंपनी में उन्हें बुक कीपर की जॉब मिली। तो 26 सितंबर यानी जिस दिन उनको अपनी पहली जॉब मिली, उस दिन को वो जॉब डे के नाम से सेलिब्रेट करते थे। अपनी इस जॉब में जॉन को महीने के $14 मिलते थे। जॉन को बुक कीपिंग में काफी इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने अपनी पहली जॉब उसी फील्ड में ढूंढी। वो खुद भी बचपन से अपना एक्सपेंसेस का जर्नल मेंटेन करते थे और देखते थे कि कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं और कितना पैसा वो कमा रहे हैं। और बचपन से ही उन्होंने आदत डाल दी थी कि अपनी जितनी भी कमाई है उसका 10% पैसा चैरिटी के लिए देना है और ये चैरिटी प्राइवेटली करनी है। और मरते दम तक उन्होंने अपने इन रूल्स को फॉलो किया। 2 साल बुक कीपर का जॉब करने के बाद उन्होंने कुछ पार्टनर्स के साथ मिलकर अपनी खुद की कंपनी शुरू की। उन्होंने और उनके पार्टनर्स ने अपनी जो सेविंग है वो पैसा बिजनेस शुरू करने के लिए लगाया। साथ ही उन्होंने बैंक से लोन भी लिया। अपने पहले ही बिजनेस के लिए बैंक से लोन मिलने के बाद जॉन काफी खुश थे। उन्हें अच्छा लगा कि बैंक ने उन पर ट्रस्ट किया और इसी चीज का ध्यान रखते हुए उन्होंने हमेशा अपने जितने भी लोन्स हैं उन्हें टाइम पर रिपे किया। आगे चलकर जब उनकी कंपनी बहुत बड़ी बन गई और उन्हें बड़े बड़े लोन्स की जरूरत पड़ी, तब भी कई बार खराब कंडीशंस आती थी, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने लोन्स टाइम पर रिपे किए। उनकी नई कंपनी अनाज खरीदने बेचने का काम करती थी। फिर जल्दी यानी 1857 में US में रिसेशन आ गया, जिसके चलते इकोनॉमी की कंडीशन काफी खराब होने लगी। लेकिन ऐसे हालात में भी कंप्लेन करने की बजाय उन्होंने अपॉर्चुनिटी पर फोकस किया और उस खराब कंडीशन में भी उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुली चलाया। उनका बिजनेस उस रिसेशन के टाइम भी इतना तेजी से बढ़ रहा था कि उसे कैसे मैनेज करे ये उन्हें और उनके पार्टनर्स को समझ नहीं आ रहा था। जॉन अपने काम के प्रति काफी पैशनेट था। शुरुआती दिनों में उन्होंने दिन रात काम करके अपने बिजनेसेस को बहुत ही अलग लेवल पर लाकर रख दिया। फिर एक दिन उन्हें पता चला कि पेंसिल्वेनिया में ऑयल एक्सट्रैक्शन का, यानी ऑयल को निकालने का काम हो रहा है। जल्दी वहाँ पर ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम तेजी से बढ़ने लगा और ऑयल की फ्यूचर जरूरतों को देखते हुए जॉन को यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। ऑयल इंडस्ट्री का स्टडी करने के बाद उन्होंने ऑयल इंडस्ट्री में एंटर करने का फैसला किया और ये डिसीजन सिर्फ जॉन के लिए ही नहीं बल्कि पूरी अमेरिका के लिए एक टर्निंग पॉइंट रही। तो ऑयल इंडस्ट्री में एक सिंपल बिजनेस जॉन के सामने था, जो कि था ऑयल एक्सट्रैक्शन का, यानी ड्रिलिंग करके ऑयल को बाहर निकालने का। लेकिन इस बिजनेस में लक फैक्टर काफी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि एक्सट्रैक्शन के बाद कभी कभी ऑयल मिलता था तो कई बार नहीं मिलता था। तो ऑयल ड्रिलिंग के इस बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा थी और लक फैक्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और जॉन ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहते थे जिसमें सिर्फ लक फैक्टर इम्पोर्टेंट हो। इसलिए उन्होंने ऑयल ड्रिलिंग की बजाय रिफाइनिंग के बिजनेस पर फोकस किया, जहां पर लक की जरूरत नहीं थी और मार्जिन भी अच्छी खासी थी। इस तरह जॉन ने अपना पहला रिफाइनरी बिजनेस शुरू किया, जिसके जरिए वो ऑयल को रिफाइन करके केरोसिन जैसे प्रोडक्ट्स बनाने लगे। तो इस तरह जॉन ऑयल को रिफाइन करके केरोसिन बनाने लगे, ताकि US के घर घर में लैम्प के लिए केरोसिन यूज किया जा सके, जिससे US के घर घर में रोशनी और उजाला हो जाएगा। उस टाइम US में रेलवे ट्रांसपोर्ट का एक मेन तरीका था, इसलिए उन्होंने अपनी पहली रिफाइनरी रेलवे लाइन के नजदीक खड़ी की, ताकि वो वहां से प्रोड्यूस हुआ केरोसिन US के अलग अलग सिटीज में इजिली ट्रांसपोर्ट कर पाए। जॉन अपने काम के प्रति काफी एनर्जेटिक और एक्साइटेड रहते थे। वो हमेशा अलग अलग प्रोसेसेस को समझने की कोशिश करते थे और ट्राई करते थे कि हम और कैसे इस प्रोसेस को डेवलप कर पाए। उनका ये कहना था कि बिजनेस ग्रोथ के लिए इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए वो इनोवेशन पर लगातार फोकस करते रहे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑयल की रिफाइनिंग प्रोसेस में कई सारा ऑयल वेस्ट हो जाता है, जिसके बाद उन्होंने अपनी एक R&D टीम बिठाई, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बिठाई,
कि कैसे वो इस वेस्ट का उपयोग करके कुछ और प्रोडक्ट बना सकते हैं और जिससे पैसा कमा सकते हैं, ताकि कोई भी चीज वेस्ट ना हो। और जल्दी उनकी टीम ने पता लगाया कि उस ऑयल वेस्ट से वो पेट्रोलियम जेली, जिसे वैसलिन भी कहते हैं, वो बना सकते हैं। साथ ही वो पैराफिन वैक्स भी बना सकते हैं। तो इस तरह जॉन अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें भी मोनेटाइज कर पाए। अपना ऑयल रिफाइनिंग का बिजनेस और बढ़ने के बाद 1970 में उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल एक कंपनी शुरू की। जॉन ने देखा कि अगर किसी को एक छोटी रिफाइनरी खड़ी करनी है तो उसके लिए ज्यादा कॉस्ट नहीं आती है, कोई भी पर्सन एक रिफाइनरी खड़ी कर सकता है। तो जॉन ने सोचा कि अगर उन्हें तेजी से आगे बढ़ना है तो उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्पिटेटिव एडवांटेज बनाना पड़ेगा, ताकि कोई भी उन्हें बीट ना कर पाए, अदरवाइज वो तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उनका मार्केट शेयर बढ़ने की बजाय उल्टा कमी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कम्पिटेटिव एडवांटेज बिल्ड करने पर फोकस किया। उस टाइम उन्होंने देखा था कि सारी रिफाइनिंग कंपनीज एक नॉर्मल प्रोसेस फॉलो कर रही है और बहुत ही छोटे लेवल पर काम कर रही है। और उस टाइम एक मेन फैक्टर जो ऑयल कंपनीज को तेजी से एक्सपांड करने से रोक रहा था वो था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। रेल रोड की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ी महंगी भी थी और यूएस के ज्यादातर रेल रोड्स का कंट्रोल कुछ पर्टिकुलर लोगों के पास ही था। तो अगर वो किसी के साथ डील कर लेते थे तो वो लोग अपने रेल रोड से बाकी लोगों का ऑयल ट्रांसपोर्ट नहीं करते थे। शुरुआत में अपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने कुछ रेल रोड कंपनी से सीक्रेट डील्स की, जिसमें जॉन ने उन कंपनी से प्रॉमिस किया कि वो लॉन्ग टर्म तक उनकी रेल रोड से बहुत ज्यादा ऑयल और केरोसिन ट्रांसपोर्ट करेंगे। और उसके बदले में उन्होंने उन रेल रोड कंपनी से ट्रांसपोर्टेशन के लिए कम कॉस्ट लगाने की डिमांड की और उन कंपनीज ने भी उसे मान लिया। इन डील्स के बाद जॉन डी रॉकफेलर की कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी कम हो गई, जिससे लोगों को केरोसिन बहुत ही कम दाम में मिलने लगा। बाद में जॉन डी रॉकफेलर ने अपनी कुछ पाइपलाइंस बनाई, जिसके चलते उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और भी ज्यादा कम हो गई और लोगों को केरोसिन अब बहुत ही कम दाम में मिलने लगा। अपने ऑयल वेस्ट से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने वाले पहले जॉन डी रॉकफेलर और उनकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल ही थी। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइपलाइन शुरू करने वाली पहली कंपनी भी स्टैंडर्ड ऑयल ही थी। तो इस तरह की अलग अलग इनोवेटिव चीजें करके एक कंपिटेटिव एडवांटेज तैयार किया। इन सब चीजों के चलते स्टैंडर्ड ऑयल बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी और जल्दी बहुत बड़ी कंपनी बन गई। अपने इस बिजनेस को चलाते वक्त जॉन ने कभी भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट नहीं किया, ना ही उन्होंने लोन्स को कभी डिफॉल्ट किया। इसलिए जब भी स्टैंडर्ड ऑयल पर खराब टाइम आता था, बैंक्स तुरंत स्टैंडर्ड ऑयल की मदद करने के लिए सामने आती थी। तो इस तरह की एक इमेज स्टैंडर्ड ऑयल की बन चुकी थी। एक बार स्टैंडर्ड ऑयल की एक रिफाइनरी में आग लग गई थी, उस टाइम भी बैंक ने खुद आकर स्टैंडर्ड ऑयल की हेल्प की थी। ऐसे ही एक बार जब स्टैंडर्ड ऑयल प्रॉब्लम में आई थी तो यूएस के एक बिजनेसमैन ने सामने से आकर जॉन डी रॉकफेलर की मदद की थी। तो बिजनेस अच्छा खासा बढ़ाने के बाद अब जॉन डी रॉकफेलर ने दूसरी रिफाइनरी कंपनीज को अक्वायर करना शुरू किया। उनके एक्विजिशन की प्रोसेस इतनी फास्ट थी कि वो हर महीने 3 से 4 रिफाइनरीज को खरीदते थे। स्टैंडर्ड ऑयल का जितना भी प्रॉफिट आता था उसको वो एक्सपांशन के लिए यूज करते थे और बाकी रिफाइनरीज को अक्वायर करने के लिए यूज करते थे। अपने फास्ट एक्विजिशन की ये प्रोसेस उन्होंने बहुत टाइम तक जारी रखी और उसके लिए बहुत सारे लोन भी लिए। और जल्द ही यानी 1882 तक स्टैंडर्ड ऑयल अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी बन गई। पूरी अमेरिका के 90% रिफाइनरीज स्टैंडर्ड ऑयल के पास थी और पूरी अमेरिका को जितना केरोसिन सप्लाई होता था उसमें से 98% केरोसिन स्टैंडर्ड ऑयल से आता था। यानी उन्होंने एक तरह से मार्केट में पूरी मोनोपोली तैयार की थी। फिर 1890s तक उनका बिजनेस बहुत बढ़ गया था और फिर मिड 90s में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और अपना पूरा फोकस उन्होंने फिलैंथ्रोपी पर लगाया। यानी रिटायरमेंट के बाद वो पूरी तरह फोकस करके चैरिटी और डोनेशन करते रहे। बाद में यूएस के जो और बड़े बिजनेसमैन थे, जैसे कि मिस्टर एंड्रू कार्नेगी, उन्होंने भी जॉन डी रॉकफेलर का ये रास्ता फॉलो किया। मिस्टर एंड्रू कार्नेगी की केस स्टडी हम इसी सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। साल 1902 में इडा टारबिल, जो कि ओहियो के एक ऑयल रिफाइनर की बेटी थी जिसका बिजनेस स्टैंडर्ड ऑयल की वजह से बंद हो गया था, उसने स्टैंडर्ड ऑयल पर कुछ आर्टिकल्स लिखे, जो आर्टिकल्स बाद में एक बुक बन गए जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ स्टैंडर्ड ऑयल। इस बुक में इडा टारबिल ने जॉन डी रॉकफेलर पर और स्टैंडर्ड ऑयल पर ये आरोप लगाए कि उन्होंने बहुत सारे एक्विजिशंस फोर्सफुली किए। साथ ही उन्होंने जॉन डी रॉकफेलर की फैमिली के बारे में भी बातें की, जैसे कि जॉन डी रॉकफेलर के पिता पर रेप के आरोप थे, वो लोगों को फंसाने का काम करते थे, एटसेट्रा। ये आर्टिकल्स पब्लिश होने के बाद कई सारे जर्नलिस्ट और कई सारे लोग जॉन डी रॉकफेलर पर अलग अलग आरोप करने लगे, जिसके चलते उनका स्ट्रेस काफी बढ़ गया और उन्हें हेल्थ इश्यूज आने लगे। उस टाइम जॉन डी रॉकफेलर की फिलैंथ्रोपी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे, क्योंकि मिस्टर रॉकफेलर मानते थे कि अगर फिलैंथ्रोपी करनी है तो उसे प्राइवेटली करना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि बहुत ही कम उम्र से उन्होंने चैरिटी के लिए पैसा देना शुरू किया था और बाद में जब वो अमीर बने तो उन्होंने अपने पैसों से यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो शुरू किया। लेकिन आज भी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के कैंपस में हार्डली ऐसी कोई चीज मिलेगी जिससे ये पता चलता हो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो को मिस्टर जॉन डी रॉकफेलर ने खड़ा किया है। 1893 में जॉन डी रॉकफेलर की मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई, जिसमें जॉन डी रॉकफेलर ने स्वामी विवेकानंद से फिलैंथ्रोपी और चैरिटी के बारे में कुछ एडवाइस ली। बाद में स्टैंडर्ड ऑयल पर और भी अलग अलग आरोप लगने लगे। उन पर मेन आरोप ये था कि उन्होंने एक मोनोपोली क्रिएट की है और इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए साल 1911 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन के अनुसार स्टैंडर्ड ऑयल को 34 कंपनीज में ब्रेकअप होने के लिए कहा, जिसके बाद स्टैंडर्ड ऑयल 34 अलग अलग कंपनीज में ब्रेकअप हुई, जैसे कि इक्सॉन, शेवरॉन एटसेट्रा। इक्सॉन ने बाद में मोबिल के साथ मर्जर किया और फिलहाल इक्सॉन मोबिल का मार्केट कैपिटलाइजेशन $187 बिलियन है।
यानी करीब 14 लाख करोड़ है। साथ ही शेवरॉन का मार्केट कैपिटलाइजेशन फिलहाल 170 बिलियन डॉलर है, यानी करीब 11 लाख करोड़ है। इन कंपनीज की वैल्यू और भी बढ़ गई और जॉन डी रॉकफेलर और ज्यादा अमीर बन गए। साल 1916 में वो दुनिया के पहले बिलियनियर बन गए। उनकी नेटवर्थ यूएस की इकोनॉमी के 2% थी, तो आप समझ सकते हो कि स्टैंडर्ड ऑयल कितनी बड़ी कंपनी बन गई थी और मिस्टर जॉन डी रॉकफेलर का नेटवर्थ कितना ज्यादा था। फिलहाल यूएस की इकोनॉमी करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की है, जिसका 2% होता है 400 बिलियन डॉलर, यानी करीब 30 लाख करोड़। इतने अमीर होने के बावजूद भी उन्होंने हमेशा सिंपलिसिटी को फॉलो किया। एक बार स्टैंडर्ड ऑयल ने एक अकाउंटेंट को हायर किया और उनको पता नहीं था कि जॉन डी रॉकफेलर कौन है। उन्होंने देखा कि कंपनी के एक रूम में एक एक्सरसाइज मशीन रखी हुई है, जिसके बाद उन्होंने मिस्टर जॉन से कहा कि वो उस एक्सरसाइज मशीन को वहां से हटा दे, और उन्होंने उनकी बात मानते हुए उस मशीन को वहां से हटा दिया। उस अकाउंट को बाद में लगा कि अब उसकी खैर नहीं, लेकिन जॉन के लिए वो आम बात थी और उन्होंने इस चीज का कभी जिक्र भी नहीं किया। जॉन डी रॉकफेलर ने साल 1909 में रॉकफेलर सैनिटरी कमीशन शुरू की, जिसका मेन मकसद ये था कि हुकवर्म और उस जैसे डिजीजेस को यूएस से पूरी तरह से हटा देना। और 20 साल के अंदर ही रॉकफेलर सैनिटरी कमीशन ने हुकवर्म डिजीज पर मात की। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो भी स्टार्ट किया, जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन वुमन को फ्री में एजुकेशन मिलता था। उन्होंने रॉकफेलर फाउंडेशन भी शुरू की, जिसके जरिए उन्होंने इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए काफी सारा पैसा डोनेट किया। उन्होंने जनरल एजुकेशन बोर्ड भी शुरू किया और इस तरह के अलग अलग इनिशिएटिव्स के जरिए हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर उन्होंने डोनेट किए। उनका पूरा डोनेशन उनकी नेटवर्थ का करीब हाफ रहा है, यानी उनकी नेटवर्थ का आधा रहा है, जो कि करीब 512 मिलियन डॉलर रहा है और आज के डेट में उसकी वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए होती। जॉन डी रॉकफेलर चाहते थे कि उनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी बने, लेकिन लेटेस्ट स्टेज में यूएस में ही हो रहे अपोज की वजह से वो जल्दी बाकी कंपनीज में एक्सपैंड नहीं कर पाए। उनका दूसरा गोल ये था कि वो 100 सालों तक जी पाए, लेकिन वो गोल उनका कंप्लीट नहीं हो सका। 97 साल की उम्र में नींद में ही उनकी डेथ हुई। बाद में जॉन ने स्टील इंडस्ट्री में भी एंट्री की थी, लेकिन जल्दी स्टील इंडस्ट्री टाइकून एंड्रू कार्नेगी ने उनकी कंपनी को खरीद लिया। स्टैंडर्ड ऑयल के बाद में यूएस स्टील दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और नेक्स्ट केस स्टडी में हम स्टील टाइकून और यूएस स्टील के कोफाउंडर एंड्रू कार्नेगी के बारे में ही बात करेंगे। तो ये थी मिस्टर जॉन डी रॉकफेलर की केस स्टडी और स्टोरी, जो कि तब ना कि दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन थे, बल्कि दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन भी थे। जरूर इस केस स्टडी को अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन केस स्टडी से और इस सीरीज से काफी कुछ सीख सके और उन चीजों को इम्प्लीमेंट करके जिंदगी में आगे बढ़ सके। रिसेंटली यानी 5 तारीख को हमारी कंपनी की एनिवर्सरी थी, जिसके चलते हमने हमारे सारे कोर्सेज पर बहुत ही बेहतरीन ऑफर लाए हैं, जिसमें हम हमारे सारे कोर्सेज पर फ्लैट 33% ऑफ दे रहे हैं। ये ऑफर जल्दी खत्म होने वाली है, तो आप इस ऑफर का जरूर फायदा लें। ऑफर की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।